कलनी बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि वो अब इस दुनिया से चला गया। पर मैं आपको बता दूं कि बिना पल्स के भी बंदा जिंदा रह सकता है और ऐसा हो भी चुका है। दोस्तों सन 2011 में क्रेग लेविस नाम का एक बंदा जिसकी उम्र 55 साल की थी, जिसको एमिलोइडोसिस नाम की बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लग गई थी और उसका हार्ट, लीवर और किडनी फेल होना स्टार्ट हो गए थे। डॉक्टर्स के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए दो डॉक्टर्स ने ये फैसला लिया कि वो नामुमकिन को मुमकिन करेंगे। तो उन्होंने एक रिसर्च एजेंसी के साथ मिलकर एक कॉन्टिन्यूस फ्लो डिवाइस बनाए और टेस्टिंग के लिए 70 बछड़ों के ऊपर उसको टेस्ट किया और यह सक्सेसफुल भी रहा। वक्त कम था और दूसरा कोई तरीका भी नहीं था, तो उस डिवाइस को लुइस के हार्ट की जगह रिप्लेस करने का डिसीजन लिया गया। ऑपरेशन के अगले ही दिन लुइस की कंडीशन स्टेबल हो गई और वो लैपटॉप पर अपना काम वगैरह भी करने लग गया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसके दूसरे ऑर्गन्स, दूसरे अंग, लीवर और किडनी ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया, जिसके बाद उसकी फैमिली ने उस पंप को रिमूव करने का फैसला लिया, मतलब उस डिवाइस को जो उसके हार्ट की जगह रिप्लेस किया गया था। लुइस बच तो नहीं सका, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि उसके आर्टिफिशियल दिल ने एकदम परफेक्ट काम किया था। इसके अगले ही साल सन 2012 में जाकुब हालिक नाम के एक बंदे में एक मैकेनिकल हार्ट लगाया गया और उसके सहारे वो 6 महीनों तक जिंदा रहा। अपने पीठ पर वो एक बैटरी कैरी करता था जो उसके मैकेनिकल दिल को चलाए रखती थी। उसकी डेथ का रीजन लीवर फेलियर बताया जाता है, मतलब जो डॉक्टर्स ने उसके अंदर मशीन फिट की थी, मेरा मतलब आर्टिफिशियल हार्ट, मतलब वो दिल, वो एकदम सही काम कर रहा था। उसकी जान दिल की वजह से नहीं बल्कि लीवर की वजह से गई थी। दोस्तों मेडिकल साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि अब कोई ऑर्गन या कोई अंग हमारी बॉडी में ना भी हो तब भी हम काम चला सकते हैं। तो आज हम उन्हीं में से कुछ एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों किडनी के लिए डायलिसिस, हार्ट के लिए मैकेनिकल हार्ट और लीवर फेलियर के लिए 2 सपोर्ट सिस्टम बना लिए गए हैं। विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप, इसके बारे में एक तरफा फैसला लिया ही नहीं जा सकता। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि दवाई खाने से साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जब खुद पर कोई दिक्कत आती है तो वही लोग कहते हैं फटाफट दवाई खिलाओ और हमें ठीक कर दो। अगर एग्जांपल चाहिए तो अपने लाला रामदेव को ही देख लो। अपने आप को ही नहीं बचा पाई वो कैसी डॉक्टरी। दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में पेशेंट की सर्जरी डॉक्टर खुद न करके कोई रोबोट करे और डॉक्टर सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन दे। अभी उनको बनाने का मेन पर्पस सिर्फ उस बारीकी वाले काम के लिए है जो हाथ से कर पाना या तो बहुत मुश्किल है या नामुमकिन। दोस्तों साइंटिस्ट ने एक ऐसी तकनीक खोज ली है जिसमें सेंसर्स को सीधा ब्रेन में फिट किया जा सकेगा, ताकि ब्रेन का टेम्परेचर और प्रेशर रेगुलरली चेक किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। और हैरानी की बात तो ये है कि उसे निकालने की भी जरूरत नहीं है, जब जरूरत नहीं होगी तो उसे वहीं डिसॉल्व कर दिया जाएगा, मतलब दिमाग के अंदर परमानेंट डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वाओ। दोस्तों 3D प्रिंटिंग के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन इसे एक स्टेप और आगे ले जाया जा चुका है और इस टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर्स इंसानों के ऑर्गन्स यानी अंग और जॉइंट्स का मेजरमेंट लेकर उसको 3D प्रिंटर में डालकर प्रिंट कर सकेंगे और फिर उस ऑर्गन को एक इंसान के अंदर इंस्टॉल कर सकेंगे। अभी के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन महंगा तो साला इंटरनेट भी था। पहले 200 रुपए में 1 GB मिलता था, आजकल तो आपको पता ही है। वैसे ही आने वाले समय में 3D प्रिंटिंग ऑर्गन भी अफोर्डेबल हो जाएगा।